हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज वीडियो का जो भी डिस्कशन रहेगा वो एसीपी के ऊपर रहेगा। आई थिंक यू ऑल आर सेफ, यू ऑल आर फाइन। माइसेल्फ तमाल नाग, मैं आईटी एंड एसीपी टेक्निकल आर्किटेक्ट हिसाब से काम करता हूँ इंडस्ट्री में। मेरा 20-21 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं एसीपी का ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों का साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज जो हम लोगों का इन्फॉर्मेशन होगा वो एसीपी का जो बेसिक, एसीपी क्या है, एसीपी कौन कौन कर सकता है, एसीपी सर्टिफिकेशन क्या होता है, एसीपी करने पे हम लोगों को नौकरी मिलेगा तो क्या पैकेज मिलेगा, इसके ऊपर मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सो दैट मेरा मोटिवेशन आए आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। और डेफिनेटली बेल आइकॉन का क्लिक करना फॉर नोटिफिकेशन। तो आज जो हम लोगों का डिस्कशन होगा वो एसीपी का ऊपर। व्हाट इज एसीपी, एसीपी क्या है। एसीपी इज ए जर्मन कंपनी। एसीपी एक नॉन अमेरिकन कंपनी जो बहुत बढ़िया काम करता है, जिसका टर्नओवर रेवेन्यू हाईएस्ट है, ऐसा नॉन अमेरिकन जर्मन कंपनी है और वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। तो एसीपी जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलता है एसीपी ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो एसीपी कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, एसीपी एक कंपनी का नाम है। एसीपी जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलता है एसीपी ईआरपी सॉफ्टवेयर। अभी वो सॉफ्टवेयर का बहुत सारे भर्सन है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे अभी चल रहा है एसीपी S4 हाना चल रहा है, उससे पहले था एसीपी ईसीसी 6.0 था, उससे पहले ईसीसी 6.5.0 था, सॉरी 5.0 था, उससे पहले ईसीसी 4.0 था, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो एसीपी ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या है। एसीपी ईआरपी सॉफ्टवेयर इसे इंटीग्रेटेड ईआरपी सॉफ्टवेयर। अभी मैं बोलना चाहता हूं एसीपी का मतलब क्या है। व्हाट इज एसीपी स्टैंड्स फॉर। एसीपी मींस एस फॉर सिस्टम, ए फॉर एप्लीकेशन एंड पी फॉर प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज ईआरपी। ईआरपी इज ए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो एसीपी है, तो एसीपी क्या है, किस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज करता है। एसीपी इसे पैस टेक्नोलॉजी यूज करता है। पैस का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और ईआरपी क्या है, ईआरपी का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज क्या है, जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी होता है, एंटरप्राइज लेवल ऑफ कंपनी, जैसे पकड़ लीजिए जिसका टर्नओवर अराउंड 20,000 करोड़ का ऊपर टर्नओवर है, बहुत बड़ा कंपनी है। लाइक टाटा पकड़ लीजिए, रिलायंस पकड़ लीजिए, बिरला पकड़ लीजिए, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज लेवल ऑफ कंपनीज है। उसके बाद आता है रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स मतलब जिससे हम लोग डे टू डे काम करते हैं, जैसे मैन रिसोर्स हो गया, मशीनरी रिसोर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स रिसोर्स हो गया, मेटीरियल्स रिसोर्स हो गया, ये सब रिसोर्स। प्लानिंग क्या है, प्लान टू प्रोसेस। ये सब रिसोर्स को हम लोग कैसे प्लानिंग करें काम करने के लिए, कैसे एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स का साथ काम करे। तो ईआरपी का मतलब हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये इंटीग्रेटेड क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, जैसे पकड़ लीजिए मशीनरी एक डिपार्टमेंट हो गया, वर्क सेंटर एक डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मटेरियल एक डिपार्टमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स एक डिपार्टमेंट हो गया, परचेस एक डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स एक डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट हो गया, जितना सारे डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे का साथ इंटीग्रेटेड है। आप कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी एंट्री डालोगे तो उसका जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसमें जाके इफेक्ट आ जाता है। तो आपको मैनुअली हर एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में डाके डालना नहीं है, आपको वो ऐसा डेटा फ्लो होगा
जब आपको एक डिपार्टमेंट पे इफेक्ट आएगा तो उसका सराउंडिंग इफेक्ट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आ जाएगा दूसरा डिपार्टमेंट पे। तो एसएपी एक कंपनी का नाम है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलता है एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर। मैं बताया एसएपी का मतलब क्या है, एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, जो ये पैस टेक्नोलॉजी है, पैस टेक्नोलॉजी भी मैंने बताया, पैस टेक्नोलॉजी क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ईआरपी क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इट्स ए प्रोडक्ट, इट्स ए सॉफ्टवेयर जो एसएपी कंपनी बनाता है। बहुत सारे लोग सैप सैप बोलता है, तो मेरे ख्याल से सैप इज नॉट द राइट लैंग्वेज, अब उसको एसएपी बोलो। अभी मैं बोलना चाहता हूं जी एसएपी कौन कौन कर सकता है, कौन सीख सकता है एसएपी, सब लोग सीख सकते हैं एसएपी। अगर कोई ग्रेजुएट बंदा है, कोई एमसीए बंदा है, कोई बीसीए बंदा है और बंदी है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा है, कोई भी एसीपी सीख सकता है। एसीपी सीखने के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी एसीपी सर्टिफिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा है थोड़ा बहुत, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है। आप ज्यादा अच्छा से चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो इंडस्ट्री में जाके। थर्ड जो चीज मैं बोलना चाहता हूं, एसीपी का जो मॉड्यूल है, कितना टाइप का मॉड्यूल है। एसीपी का मॉड्यूल मेनली दो टाइप का होता है, एक टेक्निकल मॉड्यूल, दूसरा फंक्शनल मॉड्यूल। टेक्निकल मॉड्यूल आता है जो एसीपी को मैनेज करने के लिए जो जो चीज आता है, जैसे एसीपी बेसिस आ गया, एसीपी एबॉप आ गया, एसीपी जीआरसी सिक्योरिटी आ गया, एसीपी हाना आ गया। तो एसीपी बेसिस क्या है, अभी बेसिस के बारे में डिस्कस करें तो बेसिस मतलब जो एसीपी का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, एसीपी का जो आपको डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी, मैनेजेबिलिटी एक्टिविटी, टीआर एक्टिविटी, जो भी टेक्निकल रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो एक विंडोज में पकड़ लीजिए जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो बनाता करता है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो करता है, वो विंडोज लिनक्स सिस्टम को मैनेज करने के लिए इट्स ए बिग टास्क, जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटर लोग करता है। तो एसीपी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बोलते हैं एसीपी बेसिस। एबव क्या है, एबव इसे प्रोग्रामिंग, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जीआरसी, एसीपी जीआरसी, एसीपी सिक्योरिटी, ये एसीपी का सिक्योरिटी एक्टिविटीज है एंड ए वेरी मच इंटीग्रेटेड विद एसीपी बेसिस एक्टिविटीज। तो अगर आप एसीपी बेसिस अच्छे तरह से सीखोगे, सिक्योरिटी अच्छे तरह से सीखोगे, तो आपको बोल सकते हो जी एसीपी बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। आप एबव सीख सकते हो, एबव में मोस्ट ऑफ द सिक्वेल वगैरह एक्टिविटीज अगर आप पहले किए हो, नॉलेज है, तो आपके लिए एडेड प्लस पॉइंट। ऐसा नहीं है जी आप सिक्वेल नहीं जानते हो मतलब आप एबव नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो। तो एबव को अच्छे तरह से सीखना है। मेरा फोर्थ पॉइंट जो मैं बोल रहा था एसीपी हाना। हाना क्या है, हाना इसे इन मेमोरी डेटाबेस। मैं हाना के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा, सिर्फ हाना के ऊपर ही। हाना क्या है, हाना किस तरह यूज होता है, हाना डेटाबेस है। पहले हाना नहीं था, पहले एसीपी एक एप्लीकेशन है, हाना एक डेटाबेस है। पहले एसीपी एप्लीकेशन यूज होता था, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारा डेटाबेस का साथ इंटीग्रेट होके एसीपी एप्लीकेशन यूज होता था। अभी एसीपी ने हाना लॉन्च कर दिया, तो एसीपी अगर आपका फ्रंट एंड में है, एप्लीकेशन लेवल पे है, तो हाना आपका डेटाबेस में रहेगा। तो एसीपी एक एप्लीकेशन है, हाना एक डेटाबेस है, ये इंटीग्रेट होके एसीपी एस फोर हाना अभी चल रहा है, जो इंडस्ट्री में चल रहा है एसीपी एस फोर हाना चल रहा है। मॉड्यूल वाइज अगर हम लोग बोले, अभी जो मॉड्यूल मैंने बोला दीज आर ऑल टेक्निकल मॉड्यूल, एसीपी बेसिस हो गया, एसीपी एबव हो गया, एसीपी हाना हो गया, एसीपी जीआरसी और सिक्योरिटी हो गया। तो फंक्शनल मॉड्यूल में क्या आता है, फंक्शनल मॉड्यूल में आपका आएगा जैसे एमएम आएगा, एमएम मतलब मटेरियल मैनेजमेंट, आपका एसडी आएगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपका फीको आएगा फिनेंस एंड कॉस्टिंग, आपका पीपी आएगा, पीपी का मतलब है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, आपका क्यूएम आएगा, क्यूएम का मतलब है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट, एक्जिम भी है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऐसे बहुत सारे एचआर भी है, एसीपी एचआर है, एसीपी प्रोजेक्ट है,
बहुत सारे ऐसा फंक्शनल मॉड्यूल है। तो टेक्निकल मॉड्यूल और फंक्शनल मॉड्यूल दो अलग अलग होता है। टीपी अगर आप सीखना चाहते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आप जहां वहां जाके ईसीपी सीख सकते हो। आपका पास बहुत सारे ऑनलाइन में यूट्यूब में डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, वहां जाके ईसीपी सीख सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। वहां जाके आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या चीज है, कैसे है ईसीपी, कैसे सीखना पड़ता है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन है, ये आप ले सकते हो। आप नोट डाउन कर लो, मैं भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, www.open.acp.com ये साइट में आप विजिट करो, आपको मॉड्यूल वाइज बहुत सारे एसीपी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, वहां से आप एसीपी सीख सकते हो। देखो, कोई भी चीज को सीखने के लिए हमेशा आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट में जाने पे आपको जल्दी नॉलेज मिल जाता है, आपका जो टीचर होगा उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, आपको उनको क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अभी यूट्यूब में आपका क्या बोलता है, इंटरनेट पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां से भी एक बेसिक आइडिया ले सकते हो। फिर मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप बुक्स खरीद के पढ़ सकते हो। आपका अंदर जुनून होना चाहिए सीखने का, आप सीख जाओगे, ऐसा बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख सकते हो। अभी जो एसीबी के जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन किस टाइप का होता है? तीन टाइप के ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है। एसीबी के जो ग्लोबल साइट का सर्टिफिकेशन होते हैं, तीन टाइप का होता है। फर्स्ट है एसोसिएट सर्टिफिकेशन, सेकेंड स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन, थर्ड है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। एसोसिएट सर्टिफिकेशन क्या है? एसोसिएट सर्टिफिकेशन मतलब है बेसिक सर्टिफिकेशन है, बेसिक सर्टिफिकेशन जिसमें आपको एंट्री करना है, कैसे एसीपी चलाना है, कैसे यूज करना है, क्या क्या है, वो आपको बोला जाएगा। स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन क्या है? उससे थोड़ा बेटर, उसका अपग्रेडेशन, उसका एनहांसमेंट और थोड़ा ज्यादा नॉलेज। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन होता है जो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा एसीपी का बारे में, आप जान सकते हो पर्टिकुलर मॉड्यूल में कैसे काम होता है, कैसे डेटा फ्लो होता है, कैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सब कुछ आप जान सकते हो। तो तीन सर्टिफिकेशन है, आपको अगर करना है तो वन बाय वन कर सकते हो, आप एक भी कर सकते हो, करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है जी आपको एसीपी सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा मतलब आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ग्लोबल सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा मतलब आपको नौकरी नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, जरूर मिलेगा। उसके लिए आपका जो इंस्टीट्यूट जो सर्टिफिकेशन देगा वो काफी है, लेकिन उससे भी आगे है, आप जो सीखोगे, आपका पास जो नॉलेज होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा तरह से सीखोगे, चीज को जानोगे, चीज को एक्सप्लोर करोगे, तो आपका पास कोई सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है, आप ऐसे काम कर सकते हो एवं इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हो। अभी जो एसीपी कर रहा है, जो सीख रहा है, जो सर्टिफिकेशन कर रहा है और जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फ्रेशर्स लोग हो, एक्सपीरियंस, सैलरी पैकेज क्या है? क्योंकि एसीपी ऐसा चीज है, आप अगर इंडस्ट्री में एसीपी लेके जाओगे तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, आप सैलरी अच्छा खासी मिल सकते हैं। आपको सिर्फ अच्छे तरह से सीखना है, जानना है। जो फ्रेशर्स लोग है वो अगर इंडस्ट्री में ज्वाइन करेगा तो 3-4 लाख रुपया साल भर आपको सैलरी मिलेगा, ईयरली 3-4 लाख रुपीज फ्रेशर्स को। फिर धीरे धीरे जैसे आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा, वही सैलरी जाके आपका 10-12 लाख सैलरी हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप खुद को एक्सपोज करोगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे, कोई पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है उसके ऊपर अच्छा खासा काम कर रहे हो, 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपको 20-30 लाख का सैलरी मिलेगा। तो इसमें अच्छा खासा इज्जत है, अच्छा खासा सैलरी है, आप चाहो तो उसको और एक्सप्लोर करके और ज्यादा अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हो, इज्जत भरी जिंदगी बिता सकते हो, तो एक लाइफ को एक प्रॉपर वे में ड्राइव कर सकते हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, तो मैं कोशिश करूंगा आगे जाके जितने सारे इंडस्ट्री में, जो 20-21 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो एसीपी का ऊपर, दूसरा टेक्नोलॉजी का ऊपर, ये मैं आपका साथ शेयर करूंगा। मेरा जो मेन मोटिव है, मैं वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ और मैं आगे जाके भी बनाऊंगा, क्योंकि जो मैं जानता हूँ,
जो मेरा पास है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन में क्लिक करना, तो मेरे को भी और वीडियो बनाने के लिए मेरा मोटिवेशन आए, तो मैं इसको आगे बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्त, स्टे होम स्टे सेफ।